नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की प्रमुख खबरों की। तो आगे नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचे जम्मू कश्मीर के दौरे पर। अपने दौरे के चलते रामबन में रैली को किया संबोधित। अमित शाह के दौरे के बाद अब राजनाथ सिंह पहुंचे प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के लिए 14 सितंबर को आएंगे जम्मू कश्मीर। अपने दौरे के दौरान विभिन्न रैलियों के माध्यम से लोगों को करेंगे संबोधित। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की जा रही बेहद कड़ी। भाजपा ने विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की छठी सूची की जारी। सूची में 10 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। विक्रम रंधावा को बाहू सीट, उधमपुर से आरएस पठानिया, वहीं हंदवाड़ा से गुलाम मोहम्मद मीर को मिली टिकट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने पिता मरहूम शेख अब्दुल्ला को दी श्रद्धांजलि। उनके साथ उमर अब्दुल्ला सहित अन्य भी रहे मौजूद। आज शेख अब्दुल्ला की है 42वीं पुण्यतिथि। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमित शाह के राज्य बहाली बयान को लेकर किया कटाक्ष। कहा, दर्जा बहाली के लिए हम लड़ते रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक दिन पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करवा कर रहेगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा के आतंकवाद खत्म करने के दावों पर उठाए सवाल। कहा, सफाया होने के बजाय बन गई है चुनौती, जिसके लिए भाजपा ही है जिम्मेदार। नारिंग रोड पर चार वाहनों की हुई टक्कर से हुआ हादसा। इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग घायल, एक की हालत गंभीर। चारों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। हीरानगर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। संदिग्ध गतिविधि की सूचना पर घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया गया। हर गतिविधि पर रखी जा रही कड़ी नजर। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाहनों की आवाजाही के लिए दो तरफा खुला। बड़े वाहन श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे चालकों से कतारों में चलने की अपील। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। जम्मू में दिन में निकली तेज धूप से छूट रहे पसीने, वहीं रात के तापमान में गिरावट की जा रही दर्ज। भाजपा उम्मीदवार ठाकुर दर्शन सिंह ने बसोली में डोर टू डोर कैंपेन किया शुरू। ठाकुर दर्शन सिंह ने मानपुर मंडल के कुग्गा गांव से किया आगाज। लोगों से उन्हें सफल बनाने की अपील। अल्ताफ बुखारी लगातार लोगों से कर रहे मुलाकात। डोर टू डोर कैंपेन के तहत सनत नगर में लोगों की सुन रहे समस्याएं और उन्हें सफल बनाने की कर रहे अपील। सोपोर पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से नशीले पदार्थ भी किए गए बरामद। पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ अपना नहीं सख्त रुख। डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा में जागरूकता रैली आयोजित। रिटर्निंग ऑफिसर हंदवाड़ा द्वारा किया गया आयोजन। मतदाताओं को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। जम्मू में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा नागपंचमी का पर्व। रिहाड़ी मंदिर में हुई इस दौरान विधि विधान के साथ पूजा आराधना। लोगों ने नाग देवता की पूजा आराधना का टेका माथा। और इसी के साथ टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुलडोजर मशीन करती है उसे आसान। बुलडोजर मशीन डीजल भी कम खाती है और एक घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल। यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुलडोजर मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।